बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी को लेकर इस वक्त काफी बड़ी खबरें सामने आ रही है। 60 साल की उम्र में आशीष विद्यार्थी ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचा ली है। एक बेटे के पिता आशीष विद्यार्थी ने रूपाली बरुआ से शादी की है। आशीष ने कोलकाता के एक क्लब में गुपचुप तरीके से शादी की है। इनकी दूसरी पत्नी रूपाली असम की गुवाहाटी की रहने वाली है और जो प्रोफेशन से एक फैशन डिजाइनर है। परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में आशीष और रूपाली ने गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री मैरिज की है। हालांकि शादी में आशीष का बेटा कहीं नजर नहीं आया। आशीष की पहली शादी एक्ट्रेस और सिंगर राजेशी विद्यार्थी से हुई थी और आपको बता दे दोनों का एक बेटा भी है। वहीं खबरों की माने तो आशीष ने अपनी पहली वाइफ राजेशी से तलाक ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है और वो साथ मिलकर अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं और इसी सिलसिले में वो आए दिन मिलते रहते हैं। वहीं कई लोग आशीष के शादी को लेकर काफी हैरानी जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में शादी के मौके पर आशीष ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे उम्र के इस पड़ाव में शादी करना मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा है। साथ ही साथ एक्टर ने कहा, हमने सुबह शादी कोर्ट मैरिज में की और शाम को हम पार्टी रखे हैं। साथ ही साथ जब आशीष से ये पूछा गया कि उनकी मुलाकात रूपाली से कब हुई, तब उन्होंने कहा उनकी मुलाकात उनसे 7 महीने पहले ही हुई, जिसके बाद ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे और दोनों चाहते थे कि वो लोग प्राइवेटली ही शादी करें और वही हुआ। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपने एक्टिंग के छाप छोड़ने वाले आशीष विद्यार्थी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और साथ ही साथ वो नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। आशीष की पहली पत्नी राजू सी आज भी उन्हें अपना परिवार मानती हैं। आप अगर राजू सी के इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो फैमिली के सेक्शन में उन्होंने आशीष विद्यार्थी के साथ 2 तस्वीरें लगाई हैं और इन दोनों फोटोज में आशीष विद्यार्थी और उनकी पहली वाइफ साथ नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ आशीष विद्यार्थी अपने शादी का जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी पहली पत्नी राजेशी बरुआ सोशल मीडिया पर लगातार सैड स्टोरीज अपलोड करती जा रही है, जिससे ये पता लगता है कि आशीष की पहली पत्नी को काफी बड़ा जख्म पहुंचा है। लेकिन इन सारे गमों को छुपाते हुए आशीष की पहली पत्नी उन्हें कांग्रेचुलेशन तो जरूर कह गई है।